नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त एडवर्ड। आप सभी का स्वागत है हिंदी डेव टूट्स पर। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि अपने वर्डप्रेस साइट को किस तरह से हम फोर्स कर सकते हैं कि ओनली एसएसएल वर्जन ही दिखाई दे, मतलब एचटीटीपीएस ही दिखाई दे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे जो नॉर्मल साइट है वो दिखाई दे। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए आज मैंने लिया है namehero.in, ये हमारे डेमो साइट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एचटीटीपीएस, इसमें एसएसएल लगा है। और आज की जो वीडियो है उसमें कुछ कंडीशन है कि आप जहाँ से भी होस्टिंग खरीदे हैं तो वहाँ पे आपको एसएसएल मिलना चाहिए। जैसे कि ये जो होस्टिंग मैं यूज कर रहा हूँ ये हमारे ही सर्वर का है, तो इसमें एचटीटीपीएस लगा हुआ है। लेकिन जब कोई इसे खोलेगा, यहाँ पे namehero.in है, अब मैं इसे खोलता हूँ, अगर कोई यूजर खोलेगा तो इस तरह से namehero टाइप करेगा, .in टाइप करेगा और खोल लेगा, और आप देखिए कि यहाँ पे एसएसएल नहीं दिखा रहा है। तो ऐसे बहुत बार होता है कि आपके होस्टिंग, आपने जिससे होस्टिंग लिया है उसने आपको एसएसएल दिया तो है, लेकिन आप अपने साइट में उसे इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो पहला कंडीशन था कि आपने होस्टिंग जिससे भी बाय किया हो वो आपको एसएसएल देना चाहिए। अगर वो एसएसएल दिया है तभी आप एचटीटीपीएस लगा सकते हैं, नहीं तो आपको एसएसएल खरीदना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि जब आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया है तो आपने यूआरएल क्या चुना था, एचटीटीपीएस चुना था या फिर ओनली एचटीटीपी चुना था। अगर आपने एचटीटीपी चुना है तो फिर आपको एचटीटीपीएस चुनना चाहिए था। अब हम लोग यहाँ पे लॉगिन करेंगे और इसे ठीक करेंगे। ये देखिए नॉर्मल वर्जन भी दिख रहा है और सिक्योर वर्जन भी दिख रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कोई भी अगर खोले तो सिर्फ एसएसएल वर्जन ही दिखाई दे। हम फोर्स करना चाहते हैं कि एचटीटीपीएस वर्जन ही चले अपने वर्डप्रेस साइट पे। तो इसका सिंपली एक उपाय है कि हम लोग लॉगिन करेंगे इसके अंदर में, तो आपको पता ही डब्ल्यूपी एडमिन, और उसके बाद में हम यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे इसको। आप अपने वर्डप्रेस साइट में लॉगिन कर लीजिए, जो भी आपकी यूजर आईडी और पासवर्ड होगी वो आपको डालना है। यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैं इस साइट का डाल रहा हूँ। और लॉगिन करने के बाद में आपको जाना है प्लगइन्स में। हम लोग एक प्लगइन इंस्टॉल करेंगे, इसे सही करने के लिए ऐड न्यू करना है, और उसके बाद में यहाँ पे सर्च पे टाइप करना है एसएसएल, और उसके बाद में वेट करिए, आपको कई सारे यहाँ पे प्लगइन दिखाई देंगे और सारे अच्छे काम करते हैं, लेकिन मैं यूज कर रहा हूँ रियली सिंपल एसएसएल। मैं इसे इंस्टॉल कर दूंगा और देखिए थोड़ी देर में इंस्टॉल हो जाएगी। ये इंस्टॉल हो चुका है। इसको एक्टिवेट करने से पहले मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि आप सेटिंग में जाके जनरल में देखिए कि आपने क्या चूज किया था इंस्टॉलेशन के टाइम। आप देख सकते हैं कि मैंने HTTPS ही चूज किया था, फिर भी अभी भी हमने एक्टिवेट नहीं किया है प्लगइन को। मैं फिर से आपको खोल के दिखा देता हूँ कि इस बार भी अगर मैं namehero.in खोलूँगा तो वो हमें नॉर्मल वर्सन ही दिखा रहा है। आप देख सकते हैं ये नॉर्मल वर्सन चल रहा है। आप कोई बंदा साइट खोलने से पहले ऐसे आगे जाके HTTPS इस तरह से टाइप नहीं करेगा, लेकिन अगर करता तो उसे भी सिक्योर वर्जन दिखाई देता, लेकिन कोई भी नहीं करेगा ये हमें पता है। तो खैर छोड़िए, हम इसे ठीक करेंगे। अब हमने एक्टिवेट करना है वो प्लगइन को, तो हम चलेंगे इंस्टॉल प्लगइन में और देखेंगे रियली सिंपल एसएसएल को। इसे हम लोग सिंपली एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट करने के बाद में देखिए आपको इस तरह से मैसेज आएगा, ऑलमोस्ट रेडी टू माइग्रेट टू एसएसएल, गो अहेड एक्टिवेट एसएसएल पे क्लिक करना है, और आपका एसएसएल जो है वो एक्टिवेट हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल पहले जैसे खोलेंगे, ठीक है, खोल के देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं। देखिए मैं कोई एसएसएल नहीं टाइप कर रहा हूँ, एचटीटीपीएस टाइप नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल। आप देख सकते हैं namehero.in मैंने यहाँ पे खोल के रखा है। मैं एंटर करता हूँ और आप देखेंगे कि ये एचटीटीपीएस पे मूव हो जा रहा है, लेकिन हम लोग पहले इसे साइन आउट कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि लॉगिन है तो शायद एसएसएल में चल जा रहा हो, तो इसे भी बंद कर देते हैं, इसे भी बंद कर देते हैं और नया एक खोलते हैं, और इस बार हम लोग namehero.in हम लोग टाइप करते हैं, ठीक है, और एंटर करते हैं, और आप देखिए कि ये सिक्योर वर्सन पे ही खुल रहा है। जब हम पहली बार ये ट्यूटोरियल को स्टार्ट किए थे तो उस टाइम में नॉर्मल वर्सन भी खुल रहा था। तो दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि आपके होस्टिंग कंपनी ने आपको एसएसएल दिया हो या तो आपने एसएसएल खुद खरीदा हो, और जब आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल करें तो ध्यान रखें कि उस टाइम में आप HTTPS प्रोटोकॉल ही चूज करें, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जैसे नॉर्मल वर्सन ये पहले का है, अब हम लोग रिफ्रेश करेंगे तो ये भी सिक्योर पे आ जाएगा। आप देख सकते हैं ये सिक्योर पे दिखा रहा है, और आपकी साइट हमेशा HTTPS पे ही चलना चाहिए। तो मैंने कंडीशन भी बता दी है आपको, अगर सही तरीके से समझेंगे। काफ़ी लोग मुझे कहते हैं कि आप वीडियो में बहुत सारे बात करते हैं, काम बहुत कम दिखाते हैं, तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि भैया समझना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एक बार आप समझ जाएंगे तो लाइफ टाइम आपको वो समझ में आ ही जाएगा। प्रैक्टिकल कॉपी पेस्ट करेंगे तो कल को भूल जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो भाई, ये तो बिल्कुल फ्री ही है।
इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ, आपका होस्ट और दोस्त एडवर्ड। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।